साथ जिसने अपने भविष्यवक्ता को अंजाम दिया और परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखा, सपन्या जेपन्या, जैसे भी आप समझ सके। यहां पर लिखा है पहले अध्याय में, अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिया के पुत्र अमर्या का पर पोता और गदल्या का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का ये वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, मैं आकाश और पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा, मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो लोग यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यनाश कर डालूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। दयालु वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थ्य ईश्वर के पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह किया और अपनी दया, अपनी करुणा और अपनी भलाई जो सदा की है, एक बार फिर हमारे जीवन में दिला कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठकर आपकी मधुर जीवित वाणी को सुन सके। हमारी आपसे प्रार्थना है जबकि हम आराधना के मुख्य भाग में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु हम आपके दास को आपके अनुग्रह की वेदी के सम्मुख लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दें प्रभु, और होने दे प्रभु जी कि आपका आत्मा हमारे मध्य में आपके जीवनदायक वचन की सेवा करने पाए और प्रभु हमें से हर एक आपके वचन को सुनकर प्रभु उसे अपने हृदय में आपके वचन के अनुसार अधिकाई से बसने दे और आने वाले समय में जब हम प्रभु तेरे भवन से बाहर निकलते हैं प्रभु, हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और परिसाई रूप से प्रभु हम तेरे वचन का पालन करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन को अपनी आत्मा के सामर्थ्य होकर हमारे मध्य में भेजें और बढ़ते प्रभु की आपका वचन और आपका नाम केवल केवल आदर और महिमा पाने पाए। फिर से प्रभु संपूर्ण समय को, वचन की सेवा को, आपके दास को और संपूर्ण कलीसिया को आपके विश्वास के हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्रेम और अपने जीवित उद्धार करता कभी ना बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के नाम के सर और दया से ग्रहण करें, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम यहाँ इकट्ठे हो सकें, उसका धन्यवाद दे सकें और उसके वचन में आगे बढ़ सकें, अपने आत्मिक जीवन में झांक सकें। छोटे भविष्यवक्ताओं में सपन्या, जैसा कि मैंने बताया कि निरंतर परमेश्वर
अपने लोगों के माध्यम से, इन भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, नबियों के माध्यम से बातचीत करता रहा, क्योंकि बार बार इज़राइल अपने उस चरित्र को दोहराता था। जैसा कि हमने बीते समय देखा न्यायियों की किताब में कि परमेश्वर उनके लिए काम करता था, उन्हें शांति देता था, और वे निरंतर फिर उसे भूलकर ज्यों ही वो न्याय उनके बीच से चला जाता था या खत्म हो जाता था, एक ऐसा डार्क पीरियड शुरू हो जाता था जब लोग अपने परमेश्वर को भुलाकर फिर उस गलत रास्ते पर चले जाते थे। इसलिए रीचेक बहुत जरूरी है, इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें बार बार इस बात को हम लोग कहते हैं, कभी कभी हमें ये लगता है, और आलोक भाई भी बीते समय जब बोल रहे थे कि फला फला समय हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा था, एंड दैट्स इनफ, कि वहां पर उस वक्त में परमेश्वर ने हमसे बातचीत की थी, और फिर उसके बाद हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारी दिनचर्या है, क्या हमारे तौर तरीके हैं, उसको हम फिर से कब उस जीवन में चले जाते हमें मालूम नहीं होता, और हम ये महसूस नहीं करते हैं कि हमें एक रीचेक की जरूरत है या एक लगातार एक सतत प्रयास की जरूरत है। और हम सब जानते हैं दैनिक जीवन में हम कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। अपने घरों में जब हम कुछ दिन के लिए कहीं जाते हैं तो किसी ना किसी व्यक्ति को, अगर हमें गार्डनिंग का शौक है या पेट्स का शौक होता है, तो हम किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं कि भाई समय समय पर हमारा ये पेट है ये यहीं पर रहेगा, चाहे वो कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, और आप समय समय पर इसे रोटी देते रहना, इसे घुमा देना, थोड़ी समय के लिए बाहर छोड़ देना, या ये पौधे हैं इनमें थोड़ा सा वॉटरिंग करते रहना। अगर नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है आप सप्ताह भर बाद लौटें तो आपको अपने घर में चीजें उस तरह से ना मिले जैसा आपने उसको छोड़ा है। इन चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इस प्रैक्टिस में हम बने रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ना मालूम क्यों जो बहुत जरूरी है कि आत्मिक जीवन में यह प्रैक्टिस को लागू करना, आत्मिक जीवन में इस दैनिक प्रक्रिया में हमें बने रहना चाहिए, उसमें हम बड़े शिथिल हो जाते हैं, उसमें हमें चिंता नहीं होती है, उसके प्रति हमारे अंदर कोई बोध नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी का एहसास हम नहीं समझते हैं। मैं 7 साल आश्रम में मेरा बहुत आना जाना रहा, उसके एक दो कारण और भी थे उसके अलावा कि मुझे वहां की संगति अच्छी लगती थी। एक कारण यह था कि जो ही छुट्टी होती थी सेमिनरी से तो हिल स्टेशन घूमने का उससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था मेरे पास, क्योंकि वहां जाकर एक महीने के लिए निशुल्क इंतजाम हो जाता था। रेवरेंड वर्मा आचार्य जी, आचार्य वर्मा वहां पर थे, उनका बेटा हमारे साथ था, तो वहां जब हमारी मुलाकात हुई इलाहाबाद में तो उन्होंने कहा बेटा कभी आना, तो उनके कभी आने को हमने समझ लिया था कि हर बार जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम हर बार चले जाते थे एक महीने के लिए, और जाते ही अंकल हम आ गए, अच्छा अच्छा आ गए, और फिर वो इंतज़ाम कर देते थे और कुछ कुछ काम हमें सौंप देते थे कि रजिस्ट्रेशन कर लो, लोगों को बता दो कहाँ उन्हें ठहरना है, और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी बातें उनके कदमों में बैठकर उन लोगों के साथ उस संगति में सीखने को मिली। और जब लोग कुछ बातों को कहते थे तो महसूस होता था कि ये कितनी जरूरी है। एक लेडी डॉक्टर वहां आई और उसने कहा कि बहुत छोटे थे हम बहन भाई जब हमारे पिता का देहांत हो गया, अब मां के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी, उसे पूरे दिन काम करना होता था, ये नॉर्थ ईस्ट की मैं बात बता रहा हूं, वहां से आई थी,
और जो मुख्य उनका आय का साधन था वो खेती और पशु। तो पूरे दिन माँ को वो काम करना होता था, हम छोटे छोटे बहन भाई स्कूल चले जाते थे और माँ जो थी वो पूरे दिन काम करती थी, किसी तरह हमारे लिए व्यवस्था करती थी कि हमारी फीस चली जाए, किसी तरह व्यवस्था करती थी कि हम भूखे ना रहें, किसी तरह व्यवस्था करती थी कि हम कुछ बेहतर गर्म कपड़े पहन सके, क्योंकि ज्यादातर समय वहां पर बारिश होती है और मौसम भी सर्द रहता है। और कभी कभी बच्चे बड़े होकर ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। ये बेहद जरूरी है कि हम इन चीजों को सीखें। तो मैंने वहां पर जब उन्होंने बताया, और उसके साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये कि मां सबसे पहले उठकर हम सबके लिए प्रार्थना करती थी। आज मैं जो डॉक्टर हूं तो ये परिश्रम तो जो है सो है, लेकिन ये उस प्रार्थना का प्रतिफल है जो मेरी मां रोज सुबह 4 बजे उठकर हम बहन भाइयों के लिए प्रार्थना किया करती थी। ये प्रैक्टिस में था, उनकी हैबिट में था कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उस सामर्थ्य को मांगे। ना मालूम हम में से कितने लोग सुबह उठ के पहले प्रार्थना करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यह जरूरी बात है। एक मसीह परिवार को मसीह विश्वास में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए पहला स्थान परमेश्वर को देना ही होगा। यह नियम है, इस नियम से अलग होकर हम नहीं कर सकते। चैलेंजेस आएंगे, बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज तो यह होता है कि उठे कैसे सुबह सुबह। और आजकल की जैसे सर्दी पड़ रही हो, इसमें सुबह उठकर प्रार्थना करना ये थोड़े दुखदाई बात है। वो बात अलग है कि हम दुआ में कहते हैं परमेश्वर हम तेरे लिए दुख उठाने को तैयार हैं, लेकिन नींद नहीं खराब कर सकते हैं अपनी, इसलिए सुबह हम थोड़े से खैर। सो ये बार बार उस प्रैक्टिस से बाहर हो जाते थे, और जैसे ये उस प्रैक्टिस से बाहर होते थे अलग अलग तरीके से ये परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे। अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपन्या के पास जो हिजकिया, हिजकिया राजा के लाइनेज से था, ये पहला ऐसा प्रॉफिट हमें जो दिखाई देता है जो कि उस लाइनेज से आता है जो कि किंगली या रॉयल लाइनेज। एक और बात है यहां पर, कूशी का पुत्र था, कूशी इथोपियन जिसे हम समझते हैं, है ना। तो ये एक मिक्सचर है। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने काम के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो लेवाइट हो, जरूरी नहीं है कि वो चरवाहे ही हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अलग तरीके का हो, वो चाहे रॉयल लाइनेज से आता हो या फॉरनर हो। और यहूदी परंपरा में इस बात को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि यहूदी लोगों के ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति भविष्यवाणी करे, कोई बाहरी व्यक्ति आके ये कहे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। और हम जानते हैं ना सिर्फ वो ये तो बड़ी बात थी, वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई यहूदी भविष्यवक्ता बाहर जाकर किसी दूसरे के विषय में कुछ कहे कि परमेश्वर तुमसे यूं कहता है। और योना ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, हम सब योना से वाकिफ हैं कि योना जो था इस बात से ही नाराज था कि परमेश्वर हमसे बात करे, हमारे लोगों से बातचीत करे, हमसे जो कुछ उस चाहता है वो करे, वो ये क्यों चाहता है कि नीनवे बचाया जाए, वो ये क्यों चाहता है कि एक यहूदी भविष्यवक्ता नीनवे में जाकर प्रचार करे, वो ये क्यों चाहता है। कभी कभी हम अपने लिए बड़े जगह सेलेक्ट कर लेते, यही जगह है हमारे प्रचार करने की, अगर इसके अलावा हमें कहीं कर दिया तो फिर प्रचार नहीं होगा। तो हम ये भी जाने कि फिर हाल योना जैसा भी हो सकता है। वो हाल योना जैसा भी हो सकता है, फिर हम किस गर्त में चले जाए, किस गहराई में चले जाएं। अब हो सकता है कि वैसी विजिबल
पतन ना हो, लेकिन दूसरी तरह से हमारे पतन होने लगते हैं जब हम परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध रहते हुए अपनी जगहों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे लिए यही जगह है, इसी तरह से हमें प्रचार करना है। तो हम यह भी जान रखें कि परमेश्वर के पास और उसकी सोवरेन अथॉरिटी के आगे मैं और आप कुछ भी नहीं है। इसको हम इस पद में देखेंगे आगे चल के। खैर, अभी हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को देखें। तो ये वो समय है जब ये बड़ा हो रहा है और इसके बाल्यकाल में जो यहूदा की स्थिति है वो वर्स्ट है, बिल्कुल खराब जैसे कह सकते हैं। आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जितनी भी खराब स्थिति हो सकती थी, उस खराब स्थिति में ये बड़ा हो रहा है। सपन्या, इसका नाम क्यों रखा गया, यह भी इसके पीछे कारण है। वो जो सामाजिक परिदृश्य वहां पर है उसी के अनुसार इसका नाम रखा गया है। सपन्या का नाम होता है, अर्थ है इसका, गॉड हैज हिडन केप्ट सेपरेटली सीक्रेटली, उसने गुप्त या छिपा के रखा है, बचा के रखा है नजरों से लोगों की, कोई उसे खराब ना कर दे। तो माता पिता ने क्यों उसका नाम सपन्या रखा होगा कि परमेश्वर ने जैसे छिपा के रखा है, क्या वजह है कि उनको यह नाम रखना पड़ा। और जिस समय यह पैदा हुआ है उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और दूसरा राजा, इक्कीसवें अध्याय में हमें वो सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक आत्मिक उस परिदृश्य को हमें देखना होगा। और यहां लिखा है, जब मनुष्य राज करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और 55 वर्ष तक उसने यहूदा पर राज्य किया। दूसरा पद कहता है, उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिया ने नष्ट किया था फिर बनाया और इसराइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियां और अशेरा के बनवाई, एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उसकी उपासना करता रहा। देखिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो बाइबल का वो हिस्सा किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है उसका जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम अगर सपन्या को पढ़ रहे हैं और यहां पर नहीं आते हैं तो फिर हम नहीं समझ सकते कि सपन्या का नाम ऐसा क्यों रखा गया कि गॉड हैज हिडन, परमेश्वर ने जैसे छिपा रखा था, कारण था उसका। ये राजा इतना ज्यादा बुत परस्ती में डूबा हुआ था कि लिखा है कि उसने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। ना सिर्फ वेदियां बनाई, लेकिन इसने क्या करा, फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाए, ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव बलि। और जब राजा ने ऐसा करा तो यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लोग भी ऐसा ही करें, और लोग भी ऐसा ही करते थे। वो उन देवताओं को, उन गणों को प्रसन्न करने के लिए उन वेदियों पर अपने बच्चों को लाकर उन्हें बलिदान करते थे। धन्यवाद देना चाहिए इसके पिता को, धन्यवाद देना चाहिए इसकी मां को कि इन्होंने इसका नाम सपन्या रखा।
और ये अपने मन में ठान लिया कि हम इसका बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। ये मन में ठान लिया कि परमेश्वर ने इसको छिपा रखा है, इसलिए ये बच्चा जो है वो परमेश्वर के लिए आगे चलकर कुछ करेगा। जब हम उस तरह से परवरिश करते हैं, जब हम इस तरह से आगे बढ़ाते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, एक ना एक दिन वो फलवंत होता है। ये प्रयास इस सपन्या का नहीं था कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा, ये प्रयास इसके माता पिता का था जो उसे बताते रहे कि बेटा एक ऐसे समय में जब सारे लोग अपने बच्चों को होम करके चढ़ा रहे थे, परमेश्वर की विशेष कृपा तेरे ऊपर बनी रही, उसका अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर बनी रही और उसने तुझे छिपा के रखा था, तुझे उसमें छिपाया गया था और इसलिए तेरा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए है, उसके काम के लिए है और इसलिए इसका नाम सपन्या रखा गया। और जब राजा अहाब के दिनों को आप याद करिए, उस समय में भी इजबेल के डर की वजह से और काले कानून की वजह से जब यहोवा के सारे नबियों को मारा जा रहा था, तब 100 नबियों को छिपा के रखा गया था। वे भी सपन्या थे, परमेश्वर ने जिन्हें छिपा रखा था। इसलिए कभी कभी हमें परमेश्वर में होकर कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो संसार के दृष्टिकोण से बिल्कुल फर्क होते हैं। उस समय जो चल रही थी धार्मिक मान्यताएं, उस समय जो उनका धर्म कह रहा था, उस समय जो उनका समाज कह रहा था, उस समय जो उनका समुदाय कह रहा था, उस समय जो उनकी जाति कह रही थी, उसके माता पिता ने उससे इत्तेफाक नहीं रखा, वे उससे ना इत्तेफाकी बनाए रहे, वे उससे दूरी बनाए रहे। तो कभी कभी जब हमें यह लगता है कि सारा संसार इस तरह से कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, उससे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। अगर वो भी समाज की तरह चल रहे होते, उन्होंने भी उसी तरह से अपने जीवन को देखा होता, उन्होंने भी उसी रीति को अपनाया होता, तो सपन्या जैसा नबी आज हमारे सामने नहीं होता। कुछ चीजों को हमें परमेश्वर में होकर करना जरूरी है ताकि आने वाला समय जो है वो बेहतर हो सके, आने वाले समय के लिए एक नई जेनरेशन तैयार हो सके, गॉड फियरिंग जेनरेशन तैयार हो सके। हो सकता है ये समय बहुत खराब हो सकता है कि ये समय बहुत बुरा हो, लेकिन उस आने वाले समय के लिए हमें, और कितना लंबा अरसा इस राजा मनुष्य का रहा, 55 साल एक प्रार्थना में बने रहने के लिए, एक प्रार्थना को करते रहने के लिए, एक जनरेशन को बनाए रखने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहने के लिए। हम एक बार या दो बार प्रार्थना करते हैं और अगर उस साल में हमारा काम नहीं बना तो हम कहते हैं साल 2021 तो हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्यों हमने 2021 के जनवरी में परमेश्वर से यह मांगा था। तो उसे मांगना नहीं कहते हैं, उसे सीधे सीधे कहिए कि हमने परमेश्वर को यह आदेश दिया था कि 2021 में यह काम होना चाहिए और 2021 में यह काम नहीं हुआ तो फिर 2021 मेरे लिए एक खराब वर्ष हो गया। 55 साल का लंबा अरसा, 55 साल का वो अंधकार, ऐसे समय में एक बच्चे के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को बनाए रखना, परमेश्वर के प्रति विश्वास को बनाए रखना, परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाओं उसकी व्यवस्था में बने रहना एक माता पिता के लिए बहुत सहज नहीं रहा होगा, क्योंकि इस जवान ने भी सवाल उठाए होंगे,
इस जवान ने भी अपने मां बाप से कुछ पूछा होगा। सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम हमें मना क्यों करते हो? एक कठिन समय से इन्हें भी गुजरना पड़ा होगा, लेकिन वे जानते थे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और परमेश्वर जानता है किस व्यक्ति को कैसे फिर से अपने निकट बुलाना है। लेकिन कोशिश ये करें कि इससे पहले कि परमेश्वर नाक में नकेल डालकर अपनी तरफ ले आए, हम अपने आप उसकी निकटता में आ जाएं। परमेश्वर के पास अनगिनत रास्ते हैं। इस मनुष्य ने, जिसने उस वेदी को परमेश्वर की ढाकर वहां पर अन्य देवताओं को और आकाश के तमाम चिन्हों की वहां उपासना जो कर रहा था, परमेश्वर इसे भी इसकी नाक में नकेल डालकर अपने सामने नतमस्तक उसने करा दिया। दूसरा इतिहास 33वां अध्याय, और यह है कि परमेश्वर क्यों कहता है कि अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करेगा जो अनएक्सपेक्टेड है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह होगा, किसी ने नहीं कामना की होगी कि आने वाला समय में हम मनुष्य को इस तरह से देखेंगे। 10 पद से आगे लिखा है, 33 दूसरा इतिहास 33:10, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि परमेश्वर यूं ही छोड़ देता है, परमेश्वर बातचीत नहीं करता है। परमेश्वर सबसे बातचीत करता है और हरेक के साथ बातचीत करते हुए वो चाहता है कि वे परमेश्वर को जाने, समझें और उसकी निकटता में आए। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। हम क्यों उस बात को, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब समस्याएं हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं? हम क्यों नहीं अपने गलत मार्गों से फिरते हैं? हम क्यों नहीं अपने गलत कामों को मान लेते हैं? हम क्यों नहीं अपने परमेश्वर के पास आ जाते हैं? लिखा है कि अश्शूर के सेनापति ने चढ़ाई करवाई और वे मनुष्य को नकेल डालकर, ये परमेश्वर का वचन उन्हीं शब्दों को लेकर आएगा, उसने नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए, जैसे एक जानवर को, जैसे एक बनेले सांड को वश में करने के लिए उसकी नाक में नकेल डाली जाती है और बेड़ियां डाली जाती हैं इस राजा को डाल। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उससे प्रार्थना की। ऐसी परिस्थिति में जाकर प्रार्थना करना ये ज्यादा बेहतर है, या जब हम बेहतर स्थिति में हैं तब अपने परमेश्वर के साथ चलते रहें, वो ज्यादा बेहतर बात है? अगर हम इस तरह से नहीं मानते हैं तो परमेश्वर के पास और बहुत से तरीके वो जानता है। और इसके आखिरी पद में लिखा हुआ है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब उसे निश्चय हो गया। और ये सपन्या के समय में जब वो भविष्यवाणी कर रहा है, तो देखिए क्या ये सारी बातें वो अपने उस भविष्यवाणी में
अपने इस पहले अध्याय में क्या वो इन चीजों को मेरे और आपके सामने नहीं रख रहा है? मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। दिस इज सोवरेन अथॉरिटी ऑफ गॉड, सोवरेन राइट ऑफ गॉड। उसने बनाया है वो पल भर में खत्म कर सकता है। उसके लिए बड़ा आसान था, जैसे कि हम लोग बहुत से लोग इन दिनों में किसी किसी व्यक्ति के लिए ये सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है कि ये व्यक्ति को परमेश्वर उठाई ले, तब शायद हमारे राज्य की, हमारे देश की, हमारे शहर की परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। बड़ी बात क्या है, उसे उठा लिया जाए या उसका मन बदल जाए? परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे मन को बदल दे। परमेश्वर की स्वेच्छा यह है कि हर एक पापी व्यक्ति मन फिरा ले। इसलिए व्यक्ति के उठा लेने से हो सकता है कि उससे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति उस गद्दी पे आ जाए। चलो इसका तो समय पूरा हो गया, अब उससे ज्यादा भ्रष्ट, उससे ज्यादा खराब, उससे ज्यादा क्रूर, उससे ज्यादा बिगड़ा हुआ, ये भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जब राजा का मन बदलेगा तो प्रजा के बहुत से लोगों का मन बदल जाएगा। क्योंकि जब राजा यह मान लेगा कि एक परमेश्वर है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर है जिसके पीछे चलना है, वही जीवित परमेश्वर है, तब बहुत सी वहां की रीति और नीति में बदलाव आया होगा। हम क्या चाहते हैं, एक व्यक्ति संसार से कूच कर जाए अपने पाप में, या हम यह चाहते हैं कि उसकी रीति और नीति में और नियत में बदलाव आ जाए? तब हो सकता है कि एक व्यापक और बेहतर परिणाम मेरे को और आपको देखने को मिले। तो हमें सोचना होगा हम किस तरह से परमेश्वर से मांगते हैं। ये चिता दिया इसने, इसने बता दिया तू जितने गणों को रचना चाहता है, तू सूरज चांद सितारे जितने तूने रच लिए हैं, बट दिस इज द सोवरेन पावर ऑफ गॉड कि वो ये कहता है मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। कोई उसे रोक नहीं सकता है, एक पल के लिए भी कोई रोक नहीं सकता है परमेश्वर को, अगर वो अपने कहने पर, अपने करने पर आ जाए। और किसी ने बड़ा खूब कहा कि जो परमेश्वर देता है उसे सहजता से धन्यवाद के साथ ले लो, क्योंकि जब वो लेने पे आएगा तो एक सांस भी बाकी नहीं रहेगी। जो वो देता है सहजता से उसे प्राप्त करिए, धन्यवाद के साथ स्वीकार करिए। अगर वो अपने पे आ गया तो लिखा है मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उसकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। और जो कुछ इसने बनाया था, पांचवें पद में लिखा है, जो लोग अपने घरों की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, एक ड्यूअल नेचर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरे देवताओं की उपासना करते हुए भी वो ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मन दूसरी चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन हम शो ये कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमारे मन पूरी तरह से दूसरी चीजों में रमे हुए हैं, हमारे चरित्र पूरी तरह से दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं, हम पूरी तरह से अपने मन, प्राण, आत्मा को किसी और को सौंप चुके हैं, लेकिन लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। और परमेश्वर को इस ड्यूअल नेचर से बहुत घृणा आती है। ये उसी तरह से है
कि कोई व्यक्ति दो लोगों से प्रीति करे तो ना वो इधर वफादार है ना उधर वफादार है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। मेरे साथ कोई ऐसा करे तो कैसी जलन पैदा होगी। और हम परमेश्वर के सामने लगातार यह करते हैं और यह कहते हुए करते हुए हमें बिल्कुल यह एहसास नहीं होता कि उसको कैसी जलन होती होगी इन मेरे इस ड्यूअल नेचर को देखते हो कि मैं अपने मन में कुछ दूसरी चीजों को रखे हुए हूं और मुंह से कहता हूं कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर के विषय में मेरा और आपका ये जो रवैया है ये बहुत ही भयानक है। मैं उस पद को पढ़ देना चाहता हूं। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने चित्त से अपने मन से पूरी तरह से उतार रखा है। 50:22 क्या कहता है, हे परमेश्वर के भूलने वालों, भजन संहिता 50:22, हे परमेश्वर को भूलने वालों ये बात भली भांति जान लो, ये बात भली भांति जान लो। जो भी हो, जो भी इस तरह के जीवन को जी रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, अगर मेरे जीवन चरित्र में मेरे दैनिक जीवन में परमेश्वर अहमियत नहीं रखता है तो मेरा यह कहना पूरी तरह से बेईमानी है। और मेरी यह बेईमानी आपके प्रति तो जो है सो है, वो परमेश्वर के प्रति है। और परमेश्वर यह कहता है, परमेश्वर के भूलने वालों ये भली भांति जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं। फिर जब वो अपने करने पे आएगा, लिखा है कि वो फाड़ खाएगा, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ खाऊं। तो जैसा वो कर रहा था, जैसे उसने वहां पे किया था, जस राजा तस प्रजा, उसने वहां पर बनाए थे और यहां लिखा है कि लोगों ने अपने घर की छत पे आकाश के गण को दंडवत करते थे। वे अपने अपने हर घर में अब उपासना हो रही है दूसरे देवी देवताओं की। हर जगह पर उसी तरह का चरित्र पाया जा रहा है, हर घर में उसी तरह का दैनिक जीवन, उनके जो प्रैक्टिस है वो उसी तरह की चल रही है। और यहां परमेश्वर एक और बात कहना चाहता है, और इस बात से मेरे को और आपको, जितने मुंह भर भर के हम ये कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, हम ईसाई हैं, थोड़ा सा सचेत हो जाइए, क्योंकि चौथा पद कहता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, सबसे पहला नाम उसने अपने स्थान का और अपने लोगों का लिया है। क्योंकि जब सुधार शुरू होगा तो बाहर से नहीं होगा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार के सुसमाचार को सुनाने आए तो वो पहले अपने लोगों के बीच में आए। ये जरूरी है कि मैं यहां से शुरुआत करूं। तो जब उसने फर्स्ट प्रिविलेज ऑफ सल्वेशन, फर्स्ट प्रिविलेज ऑफ गॉड्स मैसेज अपने लोगों के लिए रखा, तो क्या वो जजमेंट का दिन कहीं और से शुरू करेगा? ये भी हम ध्यान रखें। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। बेतलहम, यरीहो, इनकी बाद में बारी आएगी। यरूशलेम इसलिए क्योंकि ये धार्मिकता का और राजनीतिकता का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो जो केंद्र है, जहां से कानून बनते हैं, जो केंद्र है जहां से कानून लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं, परमेश्वर जब न्याय करने आएगा तो वहीं पर अपने कानून का पहला डंडा वहीं पर चलाएगा।
वो कहता है मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, तो न्याय भी मेरे से ही शुरू होगा। हम ध्यान रखें और सचेत हो जाएं, इससे पहले कि सारे संसार का न्याय हो, इससे पहले कि सारे संसार से परमेश्वर बातचीत करे, इससे पहले कि सारे संसार के सामने वो एक न्यायकर्ता के रूप में, एक जज के रूप में खड़ा हो, मैं और आप उस कतार में सबसे आगे होंगे, क्योंकि ये प्रिविलेज मेरे को मिला है अपने होश संभालते ही कि ये बेटा बाइबल है और ये फारसी में लिखी हुई नहीं है, ये ग्रीक में लिखी हुई भी नहीं है, ये हिब्रू में लिखी हुई भी नहीं है, ये हिंदी में लिखी हुई है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ये तुम्हारी मातृभाषा जो है उस मातृभाषा में लिखी हुई है। धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने अपना सारा जीवन खपा दिया कि लोगों जो ओरिजिनल लोग हैं उनके हाथ में, उनकी रीजनल लैंग्वेज में ये वचन हो। धन्यवाद हो उस महान मिशनरी विलियम खेरे का जिसने अपने परिवार को महाकष्ट में देखते हुए भी इस परमेश्वर के कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। और जब ताज्जुब तो इस बात का है, कभी कभी हम कहते हैं परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं, अगर उसे चिंता होती तो हमने 2021 में एक प्रार्थना की थी तो वो दिसंबर तक तो पूरी होनी चाहिए थी, पूरे 12 महीने दिए उसे हमने पूरा करने के लिए, सालों साल की मेहनत, जब ये खाका तैयार हो गया, बहुत से प्रिंट हो गए और अब अबाउट टू रिलीज था तो उस प्रेस में आग लग गई। क्या वो परमेश्वर का जन नहीं था जो आया और इस क्लाइमेट में आकर उसकी बीवी पागल हो गई? क्या वो परमेश्वर का जन नहीं था जिसके बच्चे यहां की गर्मी और यहां के मच्छरों में बेतरह परेशान रहे? क्या वो विलियम केरी जिसने अपने जीवन के सबसे बेहतरीन आयु के सबसे बेहतरीन वर्ष उस कलकत्ता के पास उमस भरे इलाके में बिताए, क्या वो परमेश्वर का जन नहीं था? क्या परमेश्वर को उसके ऊपर दया नहीं आ रही थी? सालों साल का परिश्रम, और परिश्रम किस बात का कि लोगों के हाथ में ये बाइबल जो है वो बंगला भाषा में पहुंच जाए, ये संस्कृत भाषा में पहुंच जाए, ये उड़िया में पहुंच जाए, ये हिंदी भाषा में पहुंच जाए। कितना सुंदर प्रयास, हमारे कितना जीवन लगा हुआ है परमेश्वर के इस तरह के काम करने के लिए, और उसके बावजूद भी बड़ी बेशर्माई के साथ हम ये कहते हैं हम तेरे लिए सारे दुख उठाने को तैयार हैं, हमारा तो सारा जीवन उसकी सेवा के लिए, बड़ी बेशर्माई के साथ। अगर चंदे की थैली हाथ से ले लो तो फिर दोबारा दुआ करने नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कि सालों साल उसने लगाए और जब यह तैयार हो गया तो प्रेस में आग लग गई, वो ये कह सकता था कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोगों के हाथ में ये वचन इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में पहुंचे। बहुत आसान था उसके लिए, लेकिन वो घुटनों पे आया, अपने साथियों के साथ बैठा और उसकी प्रार्थना क्या थी उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर अब हम दूसरे प्रयास में जल्दी सफल हो जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कैसे कैसे हमें करना है। यह है परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि अब हमें वी नो एवरी ईच एंड एवरी स्टेप हाउ टू मूव अहेड, अब हमें पता है, अब हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और उसने और उसके साथियों ने कहा जिस काम को हमें बहुत साल लगे अब हम उसे कुछ महीनों में कर लेंगे। दिस इज द लव ऑफ गॉड, दिस इज द कमिटेड लाइफ, ये है
मर्म परमेश्वर के प्रति प्रेम का काम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अरे इस साल नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा, इस महीने नहीं होगा, अगले महीने हो जाएगा, तो उससे क्या मेरा परमेश्वर बदल जाएगा, मेरा प्यार मेरे परमेश्वर के प्रति बदल जाएगा, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के प्रति बदल जाएगा, मेरा कमिटमेंट मेरे परमेश्वर के प्रति बदल जाएगा। अरे इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर तो वही है, परमेश्वर के प्रति मेरा प्यार तो वही है, उसकी प्रीति तो मेरे प्रति वही है कि वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए दे दिया। क्या मैं इस बात को नहीं जानता हूं? क्या यह बात मुझे फिर से बताना पड़ेगी, या कोई और आएगा मुझे बताने के लिए कि उसने कहा है कि मैंने तुझसे, मनोज सिंह, तुझसे ऐसा प्यार किया कि मैंने तेरे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया ताकि तू विश्वास लाए, नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। क्या अब यह कोई और कहने आएगा मुझसे? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम मनुष्य के समान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो नकेल डाल दी जाए और बेड़ियों में डालकर घसीट कर लाया जाए कि ये परमेश्वर है, या हम ये कहें कि प्रभु चाहे जो हो, चाहे जो हो, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा, और इसके लिए मुझे किसी के आगे परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हुए पौलुस के समान इस बात को कहने पाए। आइए हम इसको एक बार दोहरा लें, रोमियो 8:37-39, हम सब खड़े हो जाएं और इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे और इस बात को फिर से अपने परमेश्वर के सामने तय करें, विश्वास दिलाएं उसे और अपने आप को कि हमारा प्यार उसके प्रति परिस्थितियों के हिसाब से बदलने वाला नहीं है। 37-39 हम इसे एक साथ पढ़ें, रोमियों 8:37-39। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह, तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु। और हम दानियल के उन मित्रों के समान इस बात को एक बार फिर से कहें कि मेरा प्रभु मुझे इस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और अगर ऐसा ना भी हो तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हम किसी और के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएं, उसी के साथ आज की भेंट अपने प्रभु को अर्पित करें। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम अपने परमेश्वर के नूर में